देखो आज ऑफिशियली किया कंपनी ने अपनी मोस्ट अवेटेड 7-सीटर कार करेंट को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है और इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स सामने निकल कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो एक्सटीरियर लुक है आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस कार का फ्रंट फीशिया, रियर का फीशिया और साइड से ये कार दिखने में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है, काफ़ी ज़बरदस्त दिखती है। लेकिन जिस तरह से हुंडई कंपनी ने क्रेटा के 7-सीटर वर्जन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था अल्केजर को, उसका जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर करेंट के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो फ्रंट फीशिया है काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है, मतलब एक्सटीरियर से दिखने में ये कम्प्लीटली 7-सीटर एसयूवी कार लगती है और इसका रोड प्रेजेंस काफी हद तक खतरनाक रहने वाला है। इसी कार के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आगे जाकर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं चुप चुप कर लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। सबसे पहले हम एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो फ्रंट फीशिया है और इसका जो रियर का फीशिया है काफी बोल्ड रखा है और सेल्टोस के मुकाबले सोनेट के मुकाबले इसका फ्रंट फीशिया और रियर का फीशिया काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अपडेट किया है। लाइटिंग सेटअप भी आपको थोड़ा सा अलग मिलने वाला है और फ्रंट के ग्रिल्स भी आपको अपडेटेड मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये कार कंप्लीटली नई आपको मिलने वाली है एज कम्पेयर टू किया की सेल्टोस या फिर सोनेट। तो यहाँ पर मतलब उन दोनों ही कारों का इस कार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके फ्रंट फीशिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्लिक LED DRL की लाइन आपको मिल जाएगी, हालांकि इसका डिजाइन भी थोड़ा सा नया है। इसके अलावा LED हेडलाइट की प्लेसमेंट LED DRL के नीचे करी गई है और इसके नीचे आपको LED फॉग लाइट का सेटअप भी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अपडेटेड टाइगर नोज ग्रिल्स मिलेंगे फ्रंट फीशिया में, हालांकि ग्रिल का डिजाइन थोड़ा सा पतला किया हुआ है और ऊपर वाली ग्रिल के नीचे क्रोम की गार्निश भी आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसके अलावा इसके फ्रंट फीशिया में जो बंपर्स है इसको थोड़ा सा स्पोर्टियर रखा गया है। इसके बंपर्स के ऊपर आपको क्रोम की गार्निश मिलेगी फ्रेम टाइप में, तो ये भी काफी हद तक दिखने में कूल लगती है। हालांकि रोड प्रेजेंस इसका अच्छा खासा रहने वाला है और किया का ये मानना है कि 7-सीटर सेगमेंट में इसके अंदर व्हील बेस आपको थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है। इसके साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो साइड से भी ये दिखने में काफी ज्यादा बोल्ड लग रही है। इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके फेंडर्स के ऊपर ब्लैक कलर की फिनिशिंग ऑफर करी गई है। फंक्शनल रूफ रेल्स इस कार के अंदर ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा बॉडी कलर के ORVMs और इसके डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके रियर फीचर की बात करूँ, स्क्रीन के ऊपर आप इसका रियर का फीचर देख सकते हैं। नया LED टेल लाइट का इस्तेमाल इसके रियर के फीचर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 3D क्रोम गार्निश आपको इसके रियर के बम्पर के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। हालांकि बहुत सारी कारों के अंदर आपने सिल्वर स्की प्लेट देखा होगा, लेकिन इस कार के फ्रंट के बम्पर के ऊपर और रियर के बम्पर के ऊपर आपको क्रोम गार्निश फिनिशिंग मिलने वाली है। रियर में आपको 3D क्रोम गार्निशिंग की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके इंटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, इसका इंटीरियर भी काफी कमाल का है। 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको उतारा गया है। इसके 6-सीटर वेरिएंट के अंदर दो कैप्टन सीट्स ऑफर की जाएंगी सेकेंड रो के ऊपर और 7-सीटर मॉडल के अंदर आपको 3 सीट्स मिलेंगी सेकेंड रो के ऊपर, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों को इसका डैशबोर्ड पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि आपने सोनेट के अंदर इसके अलावा सेल्टोस के अंदर जो डैशबोर्ड देखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है किया की करेंट इस कार के अंदर। तो स्क्रीन के ऊपर आप इसका डैशबोर्ड भी देख सकते हैं। हालांकि किया कंपनी ने इसको रैप अराउंड डैशबोर्ड का नाम दिया है। इसका डिजाइन भी दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया हुआ है। 64 कलर का इस्तेमाल किया हुआ है एम्बिएंट लाइटिंग के थ्रू। इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर ऑफर किया गया है। इसके अलावा एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है और इस कार के अंदर आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिलेगी फ्रंट में भी और सेकेंड रो के ऊपर भी। और सेकेंड रो के ऊपर आपको एक टेबल मिलेगा लैपटॉप को रखने के लिए और बाकी स्पेस आपको मिल जाएगी स्मार्टफोन वॉलेट वगैरह रखने के लिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर आपको डैशबोर्ड के अंदर ही 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। हालांकि सेल्टोस के अंदर, सोनेट के अंदर फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है, लेकिन इस कार के अंदर वो डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड किया हुआ है। तो ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती है। आपको कैसा लगा ये डैशबोर्ड मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके अलावा करेंट के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा।
कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलने वाले हैं। सेकेंड रो में डबल फोल्डिंग इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे, मतलब फोल्ड करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सीट्स को, तो ये भी कमाल का फीचर इस कार के अंदर ऑफर किया जाएगा और अच्छे खासे फीचर्स किया कि इस कार के अंदर ऑफर किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, वो है सेफ्टी फीचर्स। किया कंपनी ने सभी मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके तहत आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। यानी किया के सभी मॉडल्स के अंदर 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। ये एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स किया कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अगर मैं बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करूँ, तो इस कार के अंदर ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिया जाएगा। इसके अलावा हील असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक और अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर ऑफर किए जाएंगे। तो यहाँ पर किया की करंट डेफिनेटली इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद तबाही मचाने वाली है, और किया ने यह साफ मेंशन किया है कि इसका जो एक्सटीरियर लुक है ये SUV टाइप का है। तो यहाँ पर इसका मुकाबला रहेगा सफारी के साथ। इसके अलावा XUV700 के साथ ये कम्पीट करेगी। हुंडई की अल्केजर, MG हेक्टर प्लस, इन कारों के साथ इसका तगड़ा मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पर इस सेगमेंट में आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ XUV700 के साथ, इसके अलावा सफारी के साथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।